हे दोस्तों, शुरू हो गई है मेरी दूसरी वीडियो। फर्स्ट वीडियो आपने देख ली, ये सेकंड है। मतलब जनवरी की, फर्स्ट जनवरी की ही ये वीडियो है। शाम को मैं बना रही हूँ चाय और पकौड़े। पकौड़े मैं पालक के पकौड़े बना रही हूँ। इसमें मैंने बेसन डाला है, हल्दी डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और इसमें मैंने अदरक और लहसुन कूट के डाला है ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी। चाय सबको आती है लेकिन चीनी चाय पत्ती डाल रही हूँ मैं। दूध पानी रख दिया था। और ये पालक के पकोड़े की हो गई है मेरी सारी तैयारी। तो मैं पालक के पकोड़े बनाऊँगी। वैसे नाश्ता आज बहुत कुछ है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने समोसे खाए हैं, क्योंकि ये समोसे लेके आए थे, समोसे गर्म थे। तो हम सब ने चार समोसे लाए, चारों ने एक एक समोसे तुरंत खा लिए हैं। और ये मैं पकौड़ों के लिए डाल रही हूँ तेल। और ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है, मतलब इस चैनल पर ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये मैंने इनके कैमरे से रिकॉर्डिंग की है, इसलिए इतनी अच्छी नहीं रिकॉर्डिंग हुई। वैसे मेरा कैमरा भी कुछ खास नहीं है, बट इनका वाला तो और भी खास नहीं था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मजबूरी में मैंने रिकॉर्डिंग की है तो इसलिए कर लिया। तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि मैं मेरे ही कैमरे से अच्छे से रिकॉर्डिंग करूँ। तो चाय में मैंने अदरक कूट के डाल दी है और एक तरफ चाय एक तरफ पकौड़े बना लेते हैं। चाय देखिए हमारी उबल चुकी है और तेल भी गर्म हो चुका है। अभी तेल गर्म होने में टाइम लगता है, क्योंकि सर्दियों का टाइम में बहुत टाइम लगता है हर एक चीज़ में। पानी गर्म करो तो भी काफ़ी टाइम लगता है, और बाकी तो मतलब सर्दी का टाइम है तो सब कुछ ठंडा है तो टाइम लेगा लेगा। तो चाय बन के रेडी हो गई है। तो पहले मैं चाय को छान लेती हूँ, चाय छान के रख लेती हूँ और पकौड़े भी निकाल लेती हूँ। और चाय पकौड़े के साथ आप सबको इनवाइट करती हूँ। आप सब लोग आ जाइए, न्यू ईयर की पार्टी हम सब एक साथ मिल के करते हैं। 31st की पार्टी तो हमने मीटिंग में जाके की थी, लेकिन ये पार्टी आप सबके फैमिली के साथ करती हूँ। चलिए आ जाइए फटाफट, गर्मा गर्म चाय और पालक के पकोड़े खाने हैं। जिस जिसको खाने हैं ना आ जाए, और जिसको जिसको पसंद है ना वो कमेंट करके ज़रूर बताए कि उसे पालक के पकोड़े और चाय और ये ढेर सारा नाश्ता कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई कमी हो, कोई गलती हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूँ, उसे और अच्छा कर सकूँ। तो मैंने पहले वाला निकाल लिया और दूसरा इसमें डाल देती हूँ। और ये मैंने काले रसगुल्ले, वाइट रसगुल्ले, जलेबी, पकौड़े और गर्मा गर्म चाय और पानी भी गर्म करके रखा है मैंने। ये सब करके मैंने नाश्ता रेडी कर लिया। अब मैं चलती हूँ कमरे में। कमरे में अनमोल और ये बैठे हैं। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, हम दो मियाँ बीबी भी और दो बच्चे, चार लोगों की हमारी यहाँ फैमिली। फैमिली काफ़ी बड़ी है लेकिन हम यहाँ चार ही रहते हैं। तो मतलब जो लोग नए हैं वो नहीं जानते हैं, उन्हें बताना ज़रूरी था। तो ये आज इन्होंने छुट्टी ले रखी है 2 तारीख की, इसलिए ये घर में है। तो आज का पूरा दिन इन्हीं के आगे पीछे घूमते हुए निकलने वाला था मेरा, तो बाकी टाइम तो किचन में निकल गया। तो ठीक है, ये लीजिए। और ये कुछ भी खाते हैं ना तो खाने से पहले मुझे खिलाते हैं। ये मैंने इनको खिलाने की कोशिश की तो ये हंसने लगे कि कैमरे में दिखा रही हो कि तुम संस्कारी पत्नी हो, मैं ही खिलाता हूँ। तो मैं हमेशा ठीक है जी, आप खिला लीजिए। फिर मतलब इनको आदत है खाने से पहले, नाश्ता से पहले कुछ भी, मतलब अगर हम साथ हैं तो ये पहली बार। दोस्तों गुड मॉर्निंग, अब तक जो क्लिप आपने देखी वो 1 जनवरी की शाम की है। और 1 जनवरी को शाम को मतलब जब ये मार्केट से आए तो ये बहुत सारा नाश्ता लेके आए थे, समोसा, जलेबी, रसगुल्ले और भी मतलब हो गया था। और मुझे नहीं पता था, मैंने भी घर में पकौड़ी बना दी तो सबने बहुत हैवी नाश्ता कर लिया। तो शाम को मैंने कुछ हैवी नहीं बनाया, हल्का सा नमकीन चावल तहरी लगा लीजिए, बस वही बनाया था, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। और प्रॉब्लम ये भी थी कि मोबाइल में बैटरी नहीं थी मेरी, क्योंकि कल पूरा दिन किसी न किसी का फ़ोन आता रहा, कभी मैं करती रही कभी आता रहा, ज़्यादातर तो फ़ोन आया था, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं ज़्यादातर लोगों को फ़ोन कर पूँ। अलबत्त मैंने किसी को ही फ़ोन नहीं किया है, बस फ़ोन आया आया था जो आया था मेरे पास, सिवाय मेरी मम्मी के मैंने किसी के पास फ़ोन नहीं किया था, बस फ़ोन आए थे सारे, तो मैं फ़ोन कहीं कर नहीं पाई। तो इस चक्कर में लेकिन फ़ोन आता पूरे दिन ना, फ़ोन पूरे दिन आया तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाई, बैटरी चार्ज नहीं थी तो शाम की रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हो पाई। वो मैंने इनके फ़ोन से रिकॉर्डिंग की, इनके फ़ोन का कैमरा मेरे वाले से भी बेकार था तो इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं हुई जो कि आपने देखा है। लेकिन अभी हो गई है 2 जनवरी, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है और मैं नहा धो के पूजा करके तैयार हो चुकी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। अब मैं किचन में बनाऊँगी मटर पनीर, जो कि मुझे शाम को बनाना था, पर सब ने इतना हैवी नाश्ता कर लिया था, कोई खाने को तैयार नहीं था, तो मैं किसके लिए बनाती। तो वो शाम का बनाया, सुबह खाना पड़ता है, इससे अच्छा सुबह ही बना लूँ। तो मैं अब सुबह किचन में क्या क्या बनाऊँगी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आगे की ब्लॉगिंग आगे चलती रहेगी और मैं मिलूँगी फिर, धीरे धीरे आपसे मिलती ही रहूँगी। चलिए फिर चलते हैं किचन में फटाफट।
आज किचन में जा रही थी पर मैंने सोचा चलो मैं बाहर का सीन आपको दिखाती हूँ। आज हमारे यहाँ कितनी धुंध आई है, एकदम बेहद बेहिसाब ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये कपड़े मैंने कल शाम को धोए थे, इनके ऊपर ओस की बर्फ़ जमी हुई है, इतना ज़्यादा ठंड है, बेहद एकदम ज़रूरत से ज़्यादा। चलिए दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। ये मैंने मटर छील के रख लिया, अदरक हरी मिर्च वगैरह रख लिया, टमाटर मटर रख लिया, सब कुछ मतलब रख लिया है मैंने। तो सबसे पहले हम अदरक लहसुन मिर्च प्याज इन सब चीज़ों को अच्छे से कूट के रख लेते हैं, मटर पनीर की ग्रेवी बना लेते हैं। वैसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं लेकिन मैं कुंडी में कूट लेती हूँ, कभी पीस लेती हूँ कभी कूट लेती हूँ, दोनों सी बात है। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज सब कुछ कूट लिया है बारी बारी से डाल के, और फिर इसी में मैं टमाटर भी कूट लूँगी ताकि ग्रेवी अच्छी बन जाए। तो सबसे पहले मैंने रख दी है कढ़ाई गर्म होने के लिए, कढ़ाई में रखा है सरसों का तेल जो कि हम खाते हैं, आपको जो पसंद है वो तेल ले सकते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैंने लहसुन प्याज भी कूट के कटोरी में निकाल लिया, टमाटर भी कूट के रख दिया है, मटर और धनिया वगैरह भी धुल के रखा है, टमाटर भी धुल के, मतलब काफ़ी हद तक मैंने तैयारी कर ली है। तो सबसे पहले मैं पनीर को तल लेती हूँ, बहुत से लोग बिना तले भी पनीर बनाते हैं, अपनी अपनी पसंद है, मुझे थोड़ा तल के ही अच्छा लगता है। तो मैंने सबसे पहले पनीर को तल लिया है और साथ के साथ हम पुलाव की भी तैयारी कर लेते हैं। प्लेट में जो मटर रखा है वो मैंने पुलाव के लिए रखा है। तो ये दो गिलास चावल मैंने लिया, छोटी गिलासी है ये, दो गिलासी चावल ले लिया है, इसमें भी हमारा बच गया था, हम चारों ने खा लिए थे उसके बाद भी बच गया था, और सब्ज़ी भी बच गई थी हमारी, एक कटोरी सब्ज़ी हमने किसी के घर भी पहुंचाई थी। और ये आके किचन में खड़े हो गए हैं तो मैं इनसे बात भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ, ये भी पर ये कैमरे के सामने नहीं है, पीछे खड़े हैं थोड़े से, और मैं इनसे बात करे जा रही हूँ और काम करे जा रही हूँ। तो ठीक है, मैंने पनीर तल के निकाल लिया, उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला है तड़के के लिए, और साथ में मैं इसमें दो तेज़पत्ते, दो तीन तेज़पत्ता डाल दिया है, और उसके बाद जैसे इनका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ मैंने तुरंत इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च ये सब कूट के रखा था, प्याज वगैरह कुंडी में अच्छे से, ये मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे कूट के रख लिया था, इनको भी हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। जब ये भून के पूरे तरीके से रेडी हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर को भी भूनेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टमाटर गलने के लिए मैं इसमें सबसे पहले नमक ऐड कर देती हूँ। नमक जब ऐड करूँगी ना तो बहुत जल्दी से टमाटर गल जाता है, तो मतलब मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ, इसको अच्छे से भूने, जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने इसमें एक चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, चौथाई चम्मच, आधी चम्मच इसमें गरम मसाला, बस इतना ही ऐड किया है। मैं थोड़ा मसाला कम खाती हूँ और मेरे घर में भी सब लोग मसाला थोड़ा कम खाते, ज़्यादा मसाला कोई नहीं खाता है। तो मैंने मसाले भुनने के बाद इसमें हरी मटर को डाल दिया, हरा मटर को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, पर मसाला सूखा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, जिस कुंडी में हमने सब कुछ कूटा था वही कुंडी धुल के मैंने थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, पानी को भी उसमें डाल के अच्छे से चला लिया, और साथ में मैंने इसमें पनीर को भी डाल दिया, और पनीर को भी बहुत अच्छे से हम इसको चला लेंगे, और उसके बाद हम इसमें कर देंगे पानी ऐड। ये मैंने थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ा दी है इस वजह से इस तरह अटक रहा है, लेकिन क्या करूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी इसलिए मुझे मजबूरी में थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ गई है, इस वजह से ये इस तरह चल रहा है अटक अटक के। लेकिन मटर पनीर में मैंने पानी डाल दिया है, उतना डालें जितना आपको पसंद है, मैंने थोड़ा ठीक ठीक डाला है, ना कम ना ज़्यादा, थिक ग्रेवी सी बनाई है। और दूसरी तरफ मैंने कुकर रखा है, अब मैं इसमें चमकने जा रही हूँ पुलाव, पुलाव में देसी घी डालना ज़रूरी है, अच्छा लगता है, अगर नहीं है नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। ये मैंने ले लिया है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी की लकड़ी, जीरा, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें थी, खड़े मसाले थे, इनको भी मैंने डाल के थोड़ा सा जैसे इनका कलर चेंज हो गया, मैंने इसमें चावल जो धुल के रखे थे भिगा के मैंने वो चावल डाल दिए हैं, थोड़ी देर मैं चावल को भून दूँगी, एक मिनट डेढ़ मिनट तक, ताकि टूटे ना चावल, हल्का सा भुन जाए, और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक होता है तो अच्छा लगता है पुलाव। तो ये देखिए मैंने पुलाव में पानी डाल दिया है, अब हम कुकर में लगा देंगे फटाफट सीटी, क्योंकि पुलाव बहुत जल्दी और बहुत इजी तरीके से बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ मैं पानी चेक कर रही हूँ, मतलब पानी ज़्यादा ना हो, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है ना तो गीला हो जाता है। ये मैंने मटर डाल दिया है इसमें और अब हम लगा देंगे इसकी सीटी, मटर डालेंगे तभी तो पुलाव अच्छा बनेगा। हरे मटर का सीज़न है, वैसे भी बन सकता है लेकिन हरे मटर का सीज़न है तो हरा मटर खाने में मज़ा आता है। तो मैंने ये हरे मटर
ढक के रख दिया, मतलब सॉरी कुकर को बंद करके रख दिया, और पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई थी तो मैंने इसमें धनिया डाल दिया। इसको भी अब हम, सब्ज़ी भी रेडी है और पुलाव भी बस बनने ही वाला है, एक सेकंड का काम है। मैं मतलब सीटी लगी कि पुलाव रेडी हुआ, तो लीजिए मैं इसको हटा देती हूँ, पनीर को हटा देती हूँ, क्योंकि पूड़ी की तैयारी करनी है हमको। तो सर्दी का टाइम है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो थोड़ा सा पानी रखा है मैंने गर्म होने के लिए, आटा लगाने के लिए। आटे में मैंने थोड़ी सी सूजी ऐड कर ली है, ज़्यादा नहीं, आधी कटोरी, आधी कटोरी मैंने इसमें सूजी डाल दी है। थोड़ा सा इसमें मैंने अजवाइन डाला है, अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पूड़ी का। अगर आपको पसंद है तो डालें, ना पसंद है तो मत डालें, आपकी मर्ज़ी है। अजवाइन डाल दिया, यहाँ हमारा पुलाव भी बन गया है। पुलाव के लिए मैंने गैस बंद कर दिया है, अब बची है पूड़ी। पूड़ी तो फटाफट मैं पूड़ी बना लेती हूँ। इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल, थोड़ी क्रिस्पी करारी पूड़ी बनाने के लिए, और उसके बाद हम आटे को गर्म पानी से गूंथेंगे, ताकि बहुत आसानी से आटा लग जाए। सर्दी का टाइम है तो तेल वगैरह थोड़ा जम जाता है, दिक्कत होती है, इसलिए गर्म पानी से आटा गूंथे तो अच्छा रहता है। तो आटा मैंने बहुत अच्छे से गूंथ लिया है, एकदम सॉफ्ट, मतलब टाइट है, पर खूब अच्छे से इसको, मतलब क्योंकि पूड़ी का आटा थोड़ा टाइट ही लगता है, नरम नहीं लगाते हैं, रोटी के आटे से थोड़ा सख्त आटा होता है। तो मैंने इसको अच्छे से खूब मसल मसल के आटा का डो लगा के रेडी कर लिया है। यकीन मानिए बहुत अच्छा खाना बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और आप लोगों को भी पसंद आएगा मेरे ख्याल से वीडियो, तो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप लोगों के साथ और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी नया चैनल शुरू किया है, ये मेरी दूसरी वीडियो ही है, तो अगर आप लोग अपना साथ और प्यार देंगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे उम्मीद है आप सब अपना हाथ बढ़ाएंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, और मुझे कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। तो मैं पूड़ियाँ बेल के रख लेती हूँ, और वीडियो में कोई कमी हो जाए ना तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दिया कीजिए, ताकि मैं उसको और अच्छा करने की कोशिश कर लूँ। क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। मैं तभी अपनी गलती सुधारूँगी जब आप लोग मुझे बताएँगे। तो तेल गर्म हो गया, मैं फटाफट पूरी तल लेती हूँ, और उसके बाद हम सब लोग खाना खाएंगे। एक खाने का टाइम भी हो चुका है, दोपहर के 12:30 एक बजने वाले हैं। तो मैंने फटाफट पहले पूरियाँ तली है, और पूरी तलने के बाद थोड़ा सा मैंने पापड़ भी तल लिया है, क्योंकि ये घर पे थे तो इनको सलाद वगैरह खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो पापड़ भी तल लिया और सलाद भी काट लिया है, और ये लीजिए हमारा पूरा खाना अब हो गया है रेडी। आप लोग भी आ जाइए, मटर पनीर पुलाव पूड़ी सलाद पापड़ सब कुछ रेडी है, आप लोग आ जाइए, आप लोग खा लीजिए। ये लीजिए, इनका काम है पहले मुझे खिलाना उसके बाद खाना, ये इनकी ड्यूटी होती है। और मैं भी खिला देती हूँ कभी कभी, लेकिन क्या होता है मैं दूसरों को खाना देने में या किचन में कुछ करने में बिजी हो जाती हूँ, तो ये मुझे खिला के अपने खुद खाने लग जाते हैं। लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि मैं भी इन्हें खिलाऊँ। अब खा पी के जब फ्री हो गए हों तो मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन भी इतने ज़्यादा हो गए थे, जिसमें 2 बार मैं धुल चुकी हूँ, ये 3री बार लेके बैठी हूँ, तो भी बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। और पानी मैंने गर्म ही लिया है, ठंडे पानी में हाथ नहीं जाता, तो बर्तन धुल चुके हैं मेरे। तो बर्तन लेके चलते हैं किचन में। मैं बर्तन बाहर इसलिए धो रही थी क्योंकि किचन में सिंक नहीं है, इसलिए मैं आपको किचन दिखा रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि मैं बाहर सब कुछ, मुझे कुछ भी करना है, सब्ज़ी धोना है, कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, कोई काम है तो मुझे बाहर आंगन में ही करना पड़ता है। बट मुझे अच्छा लगता है, खुली जगह है, आराम से बैठ के आराम से कर लेती हूँ। और ये हमारा छोटा सा किचन है, उम्मीद है आप सबको पसंद आए। दोस्तों तो हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है, सबने खाना पीना खा लिया है, और दोपहर का भी टाइम हो चुका है, और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई, वीडियो का एंड भी करना है। तो मैंने सोचा अब मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉगिंग अगले दिन से या आज से ही शुरू करूँगी या फिर अगले दिन से शुरू करूँगी, जैसे भी शुरू करूँगी, पर वीडियो मैं 3 दिन में एक डालूँगी, कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। रोज़ ब्लॉगिंग का मतलब रोज़ मैं क्या कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं 3रे दिन 4थे दिन वीडियो डाला करूँगी, यानी 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद 3रे दिन एक वीडियो डाला करूँगी। तो पक्का 2 दिन रुक के 3रे दिन एक वीडियो आया करेगी ब्लॉगिंग की। और आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिएगा, वीडियो पे अच्छे अच्छे लाइक और कमेंट करते रहिएगा, वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्योंकि अभी तो मैंने शुरुआत की है, तो इस पर ना तो कोई सब्सक्राइबर है, ना कोई लाइक है, ना कमेंट है, कुछ नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपके सामने ये वीडियो आ चुकी है, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो तक पहुंच गए हैं और एंड तक आए हैं, तो प्लीज़ आपने वीडियो वॉच किया उसके लिए आपको थैंक यू। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।